अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना? यस। तो कंटिन्यूअस टेंस का जो पैटर्न है वो क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? शैल बी जो आया बी के साथ यूज होता है, और अगला है विल बी जो यूज होता है यू ही सी इट दे या फिर नाउन, है ना? सभी प्रकार के स्पेशल कंडीशन में ये बदल जाता है, नॉर्मली नहीं बदलता। ये जिनके साथ यूज होता है तो हमारा शैल बी या विल बी। इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आएगा, तो बी छूट के अर्थात शैल या विल सामने में रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का हमारा पूरा सिंटेक्स हो गया। उसके बाद आ जाता है निगेटिव में सेम यही रहेगा, बस शैल बी और विल बी इन दोनों के बीच में, अर्थात शैल नॉट बी विल नॉट बी, ये शैल नॉट बी या विल नॉट बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से निगेटिव बन जाएगा। पैसिव को कोई टेंशन ही नहीं है, पैसिव कुछ होते ही नहीं। उसके अलावा मैं एक बार लिख रहा होऊंगा, इसका बनता है आई लिख रहा, राइट है, शैल या विल के साथ तो आई के लिए शैल, आई शैल के साथ बी भी रहेगा तो आई शैल बी, फिर राइटिंग और फिर एक पत्र के लिए अ लेटर, इस प्रकार से ये वाला जो होंगे इसको फिर आप लोग बनाएंगे पूरा पूरा फटाफट। अब वीडियो रोक चुका है।